हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में स्पेशली डिस्कस करेंगे डीएलएड 2019 बैच समस्त प्रशिक्षुओं से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही अहम रहने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप सभी से साझा किया जाएगा, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, आप सभी को सिंपली पता है कि आज एक पीएनपी की तरफ से नोटिस जारी की गई, जो कि डेडिकेटेड क्या था, तो जो भी डीएलएड 2021 में परीक्षा होने वाला है उनके एग्जाम सेंटर को अलॉट किए जाने के संबंध में नोटिस जारी की गई थी, जिसमें ये साफ साफ मेंशन करा गया था कि जो आपकी परीक्षाएं चलेंगी वो जो है 12 से लेकर 23 तक चलेंगी, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, बात यहाँ ये आ जाती है, बहुत सारे प्रशिक्षुओं का कमेंट्स आने लगा कि इसमें तो कहीं डेट मेंशन किया ही नहीं गया है कि फोर्थ सेमेस्टर का जो है आपका एग्जाम होने वाला है, तो फिर आप सभी कैसे कह रहे हैं। या फिर फ्रेंड्स देखिए, अगर आपने ये नोटिस कर लिया है कि इसमें कहीं दिया ही नहीं गया है कि मतलब जो भी प्रक्रिया है ये फोर्थ सेमेस्टर के लिए नहीं है, तो उसमें ये भी कहाँ लिखा है कि ये ओनली बैक प्रशिक्षुओं के लिए है। आपने उस नोटिस को अगर पढ़ा होगा अच्छे से फ्रेंड्स, उसमें कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि ये ओनली बैक प्रशिक्षुओं के लिए है, तो आप इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। इसके बारे में अभी हम सेपरेट तरीके से डिस्कस करेंगे, साथ ही बात करेंगे फ्रेंड्स बैक प्रशिक्षुओं से रिलेटेड, क्योंकि आप सभी का डेट शीट भी जारी कर दिया गया है। तो जैसे ही ये बातें चल रही हैं कि आपका फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, तो आप सभी के बहुत ज़्यादा ये कमेंट्स आने लगे कि क्या बैक प्रशिक्षुओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा। बाय द वे, अगर मान लीजिए सितंबर के लास्ट में अगर आपका एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाता है फोर्थ सेमेस्टर का, तो क्या बैक प्रशिक्षु भी शामिल होंगे इसमें, तो सब कुछ बहुत ही सेपरेट तरीके से जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उनको ज़रूर शेयर करिएगा, और बिल्कुल भी आप यहाँ आलस अपने अंदर मत लाइएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही कम टाइम है आप सभी की तैयारी के लिए, और बहुत ज़्यादा आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, कवर करना है, साथ ही साथ आपको टेट नवंबर में पेपर देना है। जैसे कि हाल ही में मीटिंग्स में ये प्रस्ताव रखा गया है, और आगामी भर्ती 100% कन्फर्म है। अब चलिए हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए, आप सभी को क्लासेस इस चैनल पे प्रोवाइड की जाएंगी, चैनल के साथ बने रहें। नए आ गए हैं तो चैनल से आप सभी जुड़ जाएं, आपके लिए ही बेनिफिट्स होगा। चलिए अब हम सिंपली चलते हैं नोटिस के थ्रू जा। और फ्रेंड्स, ये रही आपकी नोटिस जो कि 27 अगस्त 2021 को जारी की गई है, और जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तर प्रदेश को ये जारी की गई है। अगर संबंध की बात करें तो यहाँ देखिए, संबंध में आप विषय देख सकते हैं। सबसे पहले आप इस पर फोकस करिएगा, डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण परीक्षा वर्ष 2021 हेतु परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराए जाने के संबंध में, ये यहाँ पूरा सब्जेक्ट हो जाता है। साथ ही फ्रेंड्स, अब देखिए आपके कमेंट्स, ये दोबारा से हमें वीडियो क्यों बनानी पड़ी, क्योंकि लगभग बहुत सारे प्रशिक्षु का ये कहना था कि 12, ठीक है, और लगभग 19 को संडे है, और 17 तारीख को आई थिंक विश्वकर्मा पूजा है, तो 3 दिन परीक्षाएं नहीं होंगी, इसीलिए 3 दिन डेट एक्सटेंड किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ सोचने वाली बात तो ये भी है ना कि अगर 12 को संडे है तो फिर 12 से स्टार्ट ही क्यों करेंगे पेपर। एक बार आप भी सोचिए, 13 से कर देते, 14 तारीख से कर देते, 12 से ही क्यों करते, अगर इनको संडे इतना ही मायने रखता है। अब हम यहाँ ये नहीं कहेंगे कि मतलब होगा ही नहीं, लेकिन जब डेट शीट में यहाँ दिया गया है 12/9/2021, तो फ्रेंड्स जब ये प्रक्रिया दी गई है तो हम तो इसी को मान के चलेंगे, ठीक है। तो आप सभी कुछ ही प्रशिक्षुओं का ये कहना था कि 3 दिन इसीलिए बीच में विश्वकर्मा पूजा है इसलिए छुट्टी हो जाएगी, और 2 दिन संडे पड़ जाएगा बीच में इसलिए छुट्टी हो जाएगी। तो जो भी है फ्रेंड, जो भी होगा वो होगा, लेकिन आप सब्जेक्ट पर फोकस करिए, और आप इन सब बातों में अपना ध्यान न ही लगाएं तो आपके लिए बेटर होगा। अभी यहाँ साफ साफ लिखा गया है परीक्षा वर्ष 2021, अगर इनको ओनली बैक प्रशिक्षुओं के लिए लिखना होता तो सिंपली लिख देते ना डीएलएड, जैसे कि पहले वाली नोटिस जारी की गई थी कि बैक प्रशिक्षुओं का जो परीक्षा वर्ष हेतु आवंटन किया जाए, हो जाता है ना सिंपली।
लेकिन नहीं फ्रेंड्स, यहाँ बोला गया है डीएलएड प्रशिक्षण परीक्षा वर्ष 2021 हेतु। सभी देख सकते हैं परीक्षा केंद्रों को उपलब्ध लगभग 70 जो है आप देख सकते हैं यहाँ दिए गए हैं, 70 विद्यालय निजी और प्राइवेट, ठीक है, मतलब निजी सॉरी यानी कि डाइट। अब जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ दिया गया है 23 तक मतलब समस्त, और जैसे कि आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे और दो दिन पहले ही ये एक ऑडियो भी वायरल की गई थी जिसमें ये बोला गया था, या फिर कुछ प्रशिक्षुओं द्वारा मतलब वार्ता के कार्यालय से सूचना भी मिली थी कि आप फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो मतलब लास्ट तक कंडक्ट करा लिया जाएगा, अगर हो सके 21-22-23 को कंडक्ट ना कराया जाए, डेट इंक्रीज कर दिया जाए, लेकिन आप सभी का फोर्थ सेमेस्टर का जो परीक्षा है वो कंडक्ट कराया जाएगा, है ना। तो अभी इसमें ना ही बैक लिखा है और ना ही फोर्थ सेमेस्टर लिखा है, लेकिन जिस हिसाब से लिखा है आप पूरा मतलब ये तैयारी मान के चलिए कि आपका पेपर जो है सितंबर के लास्ट में होना है और 21-22-23 को ही होना है, और इसी को डेडिकेट मानकर आप तैयारी अपनी फोर्थ सेमेस्टर की करिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल मतलब कम मटेरियल के साथ आप सभी को बहुत ही अच्छे से तैयारी कराई जाए, क्योंकि अब बिल्कुल भी बुक से या फिर बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ने का आपको मतलब टाइम भी नहीं है और नीड भी नहीं है, तो सीरीज के माध्यम से जो भी इम्पोर्टेंस होगा आप सभी को कराया जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ सब कुछ दिया गया है और नीचे आएंगे तो मतलब COVID-19 को ध्यान में रखते हुए सारी बातें बोली गई हैं, और फिर से नीचे आएंगे तो आप कहीं भी इसमें नहीं देख सकते हैं कि मतलब इसमें बैक प्रशिक्षुओं को ही ओनली मतलब जो भी है दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। सब प्रशिक्षुओं के लिए जितना भी परीक्षा 2021 में होना है आप सभी के लिए, क्योंकि बार बार जिला जो भी मतलब स्कूल्स हैं, ठीक है, कॉलेज है, वो आवंटन तो करेंगे नहीं, तो यहाँ सारी बातें यहाँ देख सकते हैं कितने COVID-19 को देखते हुए कितने कैंडिडेट की कैपेसिटी है, कितने प्रशिक्षुओं की कैपेसिटी है। लगभग 1,70,000 प्लस प्रशिक्षुओं का एग्जाम कराया जाएगा, ठीक है, जो कि अभी आप नीचे योग में भी देख सकते हैं। ये सारी बातें हो गई। अब जैसे ही अब सवाल यहाँ ये आ जाता है जो भी बैक प्रशिक्षु हैं कि बैक प्रशिक्षु जो भी हैं उनका मतलब मान लीजिए वो एग्ज़ाम दे देते हैं तो क्या उन्हें फोर्थ सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा? तो जी नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि आपका रिजल्ट आने में ही लगभग 1 मंथ लग जाएगा, लेकिन आप इसको लेकर बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपको आगामी भर्ती में शामिल होने का पूरा मौका मिलेगा, पूरा चांस है। कैसे? बैक देखिए, अगर आपका बैक लगा है तो सिंपली आप इसमें पूरा मतलब अपना 100% झोंक दीजिए और पास हो जाइए। जैसे ही आप इसी को क्लियर करते हैं आपको थर्ड सेमेस्टर के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा, और जैसे ही आपको थर्ड सेमेस्टर के लिए प्रमोट किया जाएगा फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो कंडक्ट है वो कराने की बात बोली जाएगी। अगर PNP इस पर थोड़ा धीमापन काम करता है तो फ्रेंड्स 70,000 प्लस प्रशिक्षु कम नहीं होते हैं, 1,000 भी पहुँचेंगे ना तो फोर्थ सेमेस्टर की आपकी डेटशीट जारी कर दी जाएगी। तो अभी मेन इम्पोर्टेंट यही है कि पहले अपना आप बैक क्लियर करिए ताकि आपको थर्ड सेमेस्टर में प्रमोशन मिले, देन फोर्थ सेमेस्टर की आप तैयारी, क्योंकि अभी अगर आपको फोर्थ सेमेस्टर में बैठा दिया जाए तो फिर से बैक लग जाएगा, और हो सकता है कि सेमेस्टर ही बैक, यानी कि फिर से आपका फ़ी लगेगा, फिर से आपको पूरा पेपर देना होगा, तो क्या ये सही है? आप खुद सोचिए, नहीं ना। तो आप सबसे पहले अपना बैक क्लियर करिए, ठीक है, उसके बाद से रिजल्ट जल्द से जल्द लाने की कोशिश की जाएगी, उसके बाद से आपको फोर्थ सेमेस्टर का जो डेट शीट है वो जारी कर दिया जाएगा। आई होप अब इसको लेकर कोई भी डाउट, और इसको लेकर आप परेशान मत होइए, रिलैक्स होकर बिल्कुल आप तैयारी करिए, ओनली अभी आप बैक की तैयारी करिए और कुछ भी नहीं, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर में अभी मत पढ़िए, आप बैक की तैयारी करिए, आगे जो भी अपडेट आएगा आप सभी को दिया जाएगा। बाकी जो भी फ्रेश प्रशिक्षु हैं आप सभी फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, छुट्टी कब है, पढ़ाई कब है, इसको मत लीजिए, जो डेट मेंशन किया गया है इस पर फोकस करिए, और ना ही ये बैक प्रशिक्षुओं का इसमें मेंशन किया गया है और ना ही फोर्थ सेमेस्टर, तो आप खुद समझ सकते हैं समस्त परीक्षा जो है डायरेक्ट कॉलेज अलॉट करने की बात कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बोली गई है, बाकी आगे आप खुद समझदार हैं।
आगे कोई भी अपडेट आएगा तो आप सभी को दी जाएगी। बाकी कल से फ्रेंड्स आपकी क्लासेस लाइव चलेंगे, ठीक है, और लाइव क्लासेस में ही आपको शेड्यूल्स भी बता दिया जाएगा, या फिर चैनल के साथ जुड़ जाइए, आपको कम्युनिटी बॉक्स में टाइप करके पोस्ट कर दिया जाएगा, आप सभी को टाइम टेबल्स दिख जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप मोटिवेशन के लिए लाइक कर सकते हैं और हर प्रशिक्षु के पास आप शेयर कर दीजिए। हो सकता है कि आपके एक शेयर से एक आपके दोस्त फ्रेंड्स का जो है हेल्प हो सके, है ना, नहीं तो वो भी सोचता रह जाए कि नहीं छुट्टी है 3 दिन वगैरह वगैरह। बाकी फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, गुड नाइट, टेक केयर।